हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करने वाला हूं। तो चलते हैं हमारे आज के इस 5 फिगर्स ऑफ स्पीच की तरफ। पहला फिगर्स ऑफ स्पीच है, पहले फिगर्स ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं, अनाफोरा। तो अनाफोरा क्या होता है? एक्चुअली इस फिगर ऑफ स्पीच में ए वर्ड और ए फ्रेज, इसमें जा तो एक शब्द या एक फ्रेज क्या होता है, रिपीट होता है। एक वर्ड और फ्रेज को रिपीट किया जाता है। रिपीट कहां किया जाता है? एट द बिगनिंग ऑफ, इसमें बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस और क्लोज। तो इसमें क्या किया जाता है, एक वर्ड और एक फ्रेज को, फ्रेज आप जानते हो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो उसको रिपीट किया जाता है कहां, एट द बिगनिंग ऑफ ए सेंटेंस और क्लोज। तो अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करूंगा और बिल्कुल इजी है इसको आइडेंटिफाई करना। मैं जब एग्जांपल दूंगा तो आपको इट्स वेरी इजी। और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं अल्फ्रेड टेनिसन की पोइम इन मेमोरियम से। तो जस्ट लुक एट द एग्जांपल, रिंग आउट द ओल्ड शेप्स of foul disease. Second line is ring out the narrowing lust of gold. If you look at this example carefully, अगर आप इस example पे देखिए तो एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस क्या रिपीट हो रहा है, रिंग आउट, दिस इज कॉल्ड अनाफोरा। तो अनाफोरा में क्या होता है, एक वर्ड और फ्रेज क्या होता है, रिपीट होता है एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस और क्लोज। सो आई थिंक इट्स वेरी इजी, आप एक सेकंड में पहचान सकते हो अगर कोई वर्ड या कोई फ्रेज हर लाइन के, हर सेंटेंस के शुरुआत में रिपीट होगा तो उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, अनाफोरा। तो आई थिंक दिस फिगर ऑफ स्पीच इज क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव टू द अनदर फिगर ऑफ स्पीच। Another figure of speech is called epistrophe. Second figure of speech is called epistrophe. Now, what is epistrophe? अब epistrophe में क्या होता है? A word or a phrase. ये भी क्या होता है? Repeat होता है. A word or phrase repeat होता है. वो हमारा कहां था, एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस और क्लोज था। यहां थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पर क्या आ जाएगा, एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस और ए फ्रेज। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है अनाफोरा और एपिस्ट्रोफी में। अनाफोरा में क्या होता है, एक वर्ड और ए फ्रेज इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस और फ्रेज। और अपिस्ट्रोफी में क्या होता है, ए वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस और ए फ्रेज। मैं आपको एग्जांपल देता हूं और आपको एक सेकंड में क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग is good for health, similarly there is a further also, and that is and everything that helps in the circulation of blood is good for health. To main sara example nahi likhta, brief sa example diya. To is example mein dekhiye, first clause mein dekhiye good for health aa gaya, fir hamara kya aa gaya, good for health aa gaya, swimming is good for health, walking is good for health। तो देखिए दोनों क्लोजेस के एंड में क्या हो रहा है, हमारा जो फ्रेज है गुड फॉर हेल्थ वो रिपीट हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत ही इजी हैं। कौन से फिगर ऑफ स्पीच बिल्कुल इजी है, क्या होता है कि एक में अनाफोरा में एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एक वर्ड और फ्रेज रिपीट होता है, और एपिस्ट्रोफी में क्या होता है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एक वर्ड और फ्रेज रिपीट होता है। इट्स वेरी इजी, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। कम टू द थर्ड फिगर ऑफ स्पीच, because these figures of speech are very easy, extremely easy. Come to the third figure of speech, and the third figure of speech is called tautology. Or
It is also called pleonasm. So tautology or pleonasm, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, pleonasm और tautology. ये भी बहुत easy है. इसमें क्या होता है, इस figure of speech में क्या होता है, same idea is repeated. Same idea is repeated in different words. Same idea is repeated in different words. इसमें क्या होता है, same idea को हम repeat करते हैं कुछ और words use करके, meaning same होता है. और ये tautology एक ऐसा figure of speech है जो each and every person, each and every student द्वारा use किया जाता है. जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में करते हैं कि वो बहादुर है, तो हम देखो एक एडजेक्टिव की जगह बजाय हम दो तीन एडजेक्टिव इकट्ठे लगा लेते हैं जो बहादुरी को दिखाती है. फॉर एग्जाम्पल हमने कहना हो कि कोई आदमी बहादुर है, तो हम नॉर्मली लिखते हुए जब लिखते हैं तो इंप्रेसिव अपनी राइटिंग को बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, ही इज बोल्ड ब्रेव एंड डॉन्टलेस. अब हमारा हम कहना क्या चाहते हैं कि वो बहादुर है, तो बहादुर है तो हमारा सेंटेंस यहां तक पूरा हो गया था, ही इज बोल्ड. लेकिन हमने क्या किया, डिफरेंट वर्ड्स यूज किए, किसको कन्वे करने के लिए, सेम आइडिया को कन्वे करने के लिए. ये हम क्यों यूज करते हैं, इन ऑर्डर टू मेक अवर राइटिंग इंप्रेसिव. अब आइडिया सेम ही है, ही इज बोल्ड, हम यहां पर फुल स्टॉप लगा सकते हैं, लेकिन हमने क्या जी दो वर्ड और यूज कर लिए, ब्रेव मैंने बहादुर होता है, डॉटलेस मैंने भी बहादुर होता है, तो वो बहादुर है, हम कहना ये चाहते हैं. तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, टॉटोलॉजी का. एक मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूं. कई बार हम क्या कहते हैं, I heard it with my own ears. अब हम I heard it with my own ears, मैंने अपने कानों से सुना, हम ये कहते हैं. लेकिन अब इसमें with my own ears ये extra है, अपने कानों से सुनना ये एक्स्ट्रा है. हम चाहते तो हम सेंटेंस यहां तक फुल स्टॉप लगा सकते हैं, आई हर्ड इट मैंने सुनना, ये बताने की हमें जरूरत नहीं है, अपने कानों से सुना. अरे हम सुनते तो अपने कानों से ही हैं, किसी और के कानों से सुन नहीं सकते. तो ये जो हमने ये जो एक्स्ट्रा वर्ड यूज किए विद माई ऑन ईयर्स, ये इसमें क्या कर रहा है, सेम आइडिया. आइडिया कौन सा, सुनना, उसको हम रिपीट कर रहे हैं किसमें, डिफरेंट वर्ड्स में. सो दैट इज कॉल्ड tautology, जो हम अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं. तो आई थिंक आपको ये फिगर ऑफ स्पीच क्लियर हो गया होगा. कम टू द फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच, हम अपने फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं. अब फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच क्या है, फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड इनवर्सन. इनवर्सन, और इसको हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, हाइपरबिट्रॉन. इनवर्सन और हाइपरबिट्रॉन, नाम थोड़े से आपको अजीब लग रहे हैं, हाइपरबिट्रॉन इनवर्सन, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच बहुत इजी है. देखो नाम से पता चल रहा है इनवर्सन. इनवर्सन कहां से आया है, इनवर्स से. इनवर्स का मतलब क्या होता है, रिवर्स, उल्टा करना. तो इसमें क्या होता है, इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, ग्रामेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स मींस जो एक ग्रामेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, कि एक सेंटेंस में वर्ड्स का जो ऑर्डर होना चाहिए. हमें पता है पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ये कॉम्प्लीमेंट आता है. दिस इज अ नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस. जब हम क्या करें, उस नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का, जो ऑर्डर है, जब उसको हम रिवर्स कर देते हैं, इज रिवर्स्ड. तो इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या करते हैं, जो ग्रामेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स होता है इन ए सेंटेंस, उसको रिवर्स कर दिया जाता है, उसको उल्टा कर दिया जाता है. ये हम क्यों फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं, किसी चीज पर एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर स्ट्रेस देने के लिए. तो जब हम ग्रामेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स को रिवर्स करते हैं तो हमारा सेंटेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल एक आपको एग्जांपल है, इट्स वेरी फेमस फ्रॉम टेनिसन्स पोएम यूलिसिस. आपने शायद पढ़ी हो टेनिसन पोएम यूलिसिस. उसमें क्या कहता है,
Ulysses, much have I seen and known. Much have I seen and known. So this is an example of inversion or hyperbaton. अब ओरिजिनल क्या है, सेंटेंस ये है कि मैंने बहुत कुछ देखा और जाना है. अब ओरिजिनल क्या होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट आना चाहिए था, फिर हमारी वर्ब आनी चाहिए थी. सेंटेंस का ओरिजिनल ऑर्डर क्या होता, आई हैव मच सीन एंड नोन. दिस इज द रियल, ये नॉर्मल ग्रामेटिकल ऑर्डर है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब then adjective, I have much seen and known. लेकिन हमने क्या किया, टेनिसन ने क्या किया Ulysses poem में, इसे रिवर्स कर दिया. वर्ब को पहले लेगा सब्जेक्ट से, तो क्या बन गया, much have I seen and known. एक ये सेंटेंस है और एक सेंटेंस कौन सा है, I have much seen and known. तो आपको दोनों में डिफरेंस पता चल रहा होगा, कौन सा सेंटेंस इंप्रेसिव है. फर्स्ट सेंटेंस इज इंप्रेसिव, इट इज एम्फेसाइजिंग द फैक्ट. एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं, और वो मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको वर्ड्सवर्थ की पोइम डैफोडिल से. डैफोडिल की उस जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं उसमें दो फिगर ऑफ स्पीच हैं, लेकिन मैं इनवर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो एग्जाम्पल दूंगा. वो कौन सा है, 10,000 आई सो एट वंस. इसमें एक और फिगर ऑफ स्पीच भी है जिसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन यहां मैं आपको इस एग्जाम्पल को जो वर्ड्सवर्थ की पोइम डैफोडिल से है उसको मैं इनवर्सन और हाइपोबिटॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूंगा. अब इसमें भी हमारा जो क्या है, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स को रिवर्स किया गया. ओरिजिनल ऑर्डर क्या था, आई सो 10,000 एट वंस, ये बनना चाहिए था आई सो 10,000 एट वंस, कि मैंने 10,000 डैफोडिल फ्लावर देखे एक बार. लेकिन हमने क्या कर दिया, जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने क्या लगा दिया, सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, 10,000 आई सो एट वंस. तो ये भी हमारा एक वंडरफुल एग्जांपल है किसका, इनवर्सन और हाइपरबटोन का. इस फिगर ऑफ स्पीच को क्यों यूज करते हैं, सेंटेंस को हमारी राइटिंग को इंप्रेसिव बनाने के लिए, उस पर एम्फेसिस देने के लिए, दबाव देने के लिए. तो आई थिंक आपको ये फिगर ऑफ स्पीच भी क्लियर हो गया होगा. हम अपनी रियल लाइफ में जब थीसिस लिखते हैं या डिजर्टेशन लिखते हैं या एक बड़ा इंप्रेसिव ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं, तो हम भी उसमें इनवर्सन और हाइपरबटोन का यूज करके ऑर्डर को आगे पीछे करते हैं और हमारी राइटिंग को इंप्रेसिव बनाते हैं. तो कम टू द फिफ्थ एंड द लास्ट फिगर ऑफ स्पीच ऑफ टुडेज वीडियो. इस वीडियो में पांच फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करने थे, चार मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, और मुझे मेरा आपको होप है कि आपको वो समझ में आ गए होंगे. कम टू द फिफ्थ वन, एंड द फिफ्थ वर्ड इज कॉल्ड युग्मा. थोड़ा सा आपको नाम अजीब सा लग रहा है, युग्मा. सो व्हाट इज युग्मा एक्चुअली, इज इन दिस फिगर ऑफ स्पीच. इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, ए वर्ब or an adjective. ये भी हम normally अपने real life में युग्मा को use करते हैं, लेकिन हम कभी सोचते नहीं कि हमने इस युग्मा figure of speech को use कर लिया अपने real life में. तो इसमें होता क्या, actually a verb or an adjective, एक verb or an adjective is used for two nouns. तो इसमें क्या होता है कि एक word, एक verb या एक adjective, या तो हम सिंगल वर्ब यूज करते हैं या एक विशेषण यूज करते हैं, किसके लिए, दो नाउंस के लिए एक वर्ब और एक एडजेक्टिव हम यूज करते हैं. अब होता क्या है जी, जो वर्ब होती है, जो हम सिंगल वर्ब यूज कर रहे हैं या सिंगल एडजेक्टिव कर रहे हैं, यूज किसके लिए कर रहे हैं, दो नाउंस के लिए, तो एक नाउन पे तो वो करेक्ट बैठती है, लेकिन दूसरे नाउन पे वो करेक्ट नहीं बैठती. Clear? So in this figure of speech, a verb or an adjective is used for two nouns. To one noun, it is properly applicable. एक noun पे बिल्कुल apply होती है, but to the second noun, it doesn't apply. ये apply नहीं होती. मैं आपको example देता हूँ, अभी clear हो जाएगा. For example, the moment and the vessel passed.
तो यहां पर एक वर्ब यूज की गई, कौन सी? पास वर्ब यूज की गई किसके लिए? दो नाउन के लिए। पहला नाउन कौन सा? मूवमेंट। दूसरा कौन सा? वैसल। वैसल मैंने क्या होता है? शिप। तो हमने एक वर्ब यूज की किसके लिए? मोमेंट और वैसल के लिए। लेकिन ये जो वर्ब है पास, गुजरना, एक्चुअली ये किस पे अप्लाई होती है? मोमेंट पे, द मोमेंट पास्ट। लेकिन शिप कभी भी पास नहीं होता। शिप जो वैसल होता है वो हमेशा क्या करता है? सेल करता है, एस ए आई एल, सेल करता है। तो जो प्रॉपर वर्ड थी वैसल के लिए, सेल, शिप के लिए, वो हमने यूज नहीं की, बल्कि दो नाउन के लिए एक वर्ब यूज कर ली, जो एक पर तो अप्लाई हुई, दूसरे पे वो प्रॉपरली अप्लाई नहीं होती। इसे हम क्या कहते हैं? युग्मा कहते हैं। मैं आपको एक और रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं, इसका क्लियर हो जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल, कई बार हम कहते हैं शी लेफ्ट द हाउस विद वीपिंग आईज एंड हार्ट। शी लेफ्ट द हाउस विद वीपिंग आईज एंड हार्ट। तो यहां हमने एडजेक्टिव यूज कर लिया। मैंने कहा एक वर्ब का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अब मैं आपको एक एडजेक्टिव का एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो इसमें हमने सिंगल एडजेक्टिव यूज किया, वीपिंग, रोना, कि उसने घर छोड़ा किसके साथ? रोते हुई आंखों के साथ और रोते हुए दिल के साथ। तो यहां हमने दो नाउन, आईज और हार्ट के लिए एक फिगर, एक हमने एडजेक्टिव वीपिंग यूज किया। लेकिन वीपिंग एक्चुअली किस पे अप्लाई होता है? आईज के लिए, आंखों से आंसू आते हैं, वीप वहां से होता है। हार्ट के लिए ये अप्लाई नहीं होता, ये एडजेक्टिव हार्ट नाउन पे अप्लाई नहीं होता। हार्ट कभी वीप नहीं करता, हार्ट क्या करता है? ग्रीव, दुख व्यक्त करता है, जी आर आई ई वी ई। तो जो प्रॉपर हमारा जो एडजेक्टिव था, ग्रीविंग होना क्या चाहिए था? शी लेफ्ट द हाउस विद वीपिंग आईज एंड ग्रीविंग हार्ट। यहां पर ग्रीविंग आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया? ग्रीविंग तो यूज नहीं किया, बल्कि एक ही एडजेक्टिव यूज कर लिया टू नाउन्स के साथ, जिसमें एक पे तो वो प्रॉपरली अप्लाई हो गया, दूसरे पे वो अप्लाई नहीं हुआ। तो ये आपके दो एग्जाम्पल है, और मेरे ख्याल में आपको ये क्लियर हो गया होगा युग्मा कौन सा है। अब मैं आपको तीन चार सेंटेंस दूंगा, आप जिस वीडियो को देखने के बाद उसका आंसर बताना कि वो कौन से फिगर ऑफ स्पीच है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये पांच फिगर ऑफ स्पीच समझ में आ गए। आपको दो तीन सेंटेंस दूंगा ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि वो पांच में से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो वो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दो तीन सेंटेंस छोटे छोटे दे रहा हूं, और वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वो कौन से फिगर ऑफ स्पीच है। पहला जो है वो क्या है सेंटेंस आपकी नॉलेज के लिए? आई रिजॉइस्ड एट द हैप्पी साइट। इसमें आपने बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। सेकंड जो सेंटेंस है वो है ही टुक हिज हैट एंड लीव। उसने अपनी हैट उतारी और छुट्टी ली। और तीसरा जो है वो क्या है? माई डेज अमंग द पास्ट आर लॉस्ट। ये आपका थर्ड सेंटेंस है। और फोर्थ सेंटेंस जो आपने बताना है वो क्या बताना है? वर्ड्सवर्थ is a poet, Keats is a poet, Byron is a poet। तो ये आपके चार sentences है जिसमें आपने बताना है कि कौन सा figure of speech use किया गया है। So I hope that you must have understood each and every figure of speech, कि आपको प्रत्येक figure of speech समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद लगता है कि हमें कुछ नया सीखने को मिला है, तो like my video, share it, comment on it, and don't forget to subscribe my channel so that you may get notification of videos like this in future. Thanks.